हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट टॉक शो पर। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त स्कंद पाठक, लेकर आया हूं एक और नया खास इंटरेस्टिंग एपिसोड क्रिकेट टॉक शो का। दोस्तों, आईपीएल 2021 यूएई सेकंड लेग से 5 बहुत ज़्यादा बड़ी खबर निकल के आई है, जिसमें दोस्तों काफ़ी अच्छी और कुछ बुरी खबर आपको इसमें दिखेंगी। वहीं दोस्तों कुछ खबर इसमें आपका दिल दहलाने वाली भी हैं। अफगानिस्तान की टीम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है, संजू सैमसंग भी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। दोस्तों संजू सैमसंग के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है और आप कह सकते हैं बुरी खबर है। वहीं दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, ये वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों हम 1000 सब्सक्राइबर के काफ़ी ज़्यादा करीब हैं और इन्हें जल्दी से आप पूरा करा दीजिए। उसके बाद आने वाला है दोस्तों एक धमाकेदार गिव अवे, जिसमें हम सभी मेंबर्स को कुछ गिफ्ट देने वाले हैं। दोस्तों जल्दी जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए, आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। अब दोस्तों पहली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों पहली खबर निकल के आती है संजू सैमसंग के हवाले से। दोस्तों संजू सैमसंग पे फाइन लग गया है और फाइन लगा है पूरा 12 लाख रुपए का। दोस्तों हालांकि संजू सैमसंग के लिए ये रकम जो है काफ़ी छोटी है, ये आप कह सकते हैं ऊँट के मुँह में जीरा है, पर दोस्तों फाइन तो फाइन है और 12 लाख रुपये हम मिडिल क्लास लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर संजू सैमसंग पे तो खैर ये 12 लाख रुपये कुछ भी मायने नहीं रखते होंगे, बट दोस्तों एक फाइन तो फाइन है और ये फाइन लगा है दोस्तों स्लो ओवर रेट के कारण। अगर दोस्तों ऐसा ही संजू सैमसंग एक और मैच में कर देते हैं, मतलब कि स्लो ओवर रेट एक और मैच में कर देते हैं, तो दोस्तों संजू सैमसंग पे लग जाएगा पूरे एक मैच का बैन। दोस्तों काफी ज्यादा बुरी खबर है राजस्थान रॉयल्स की टीम के फैंस के लिए। दोस्तों अब अगली खबर की तरफ चलते हैं और दोस्तों वो अगली खबर निकल आ रही है तालिबान के हवाले से। दोस्तों तालिबान ने आईपीएल को कर दिया है बैन अफगानिस्तान में। दोस्तों इसका रीजन बताया जा रहा है चीयर लीडर की परफॉर्मेंस, जो कि दोस्तों हर चौके छक्के लगने या फिर विकेट गिरने के बाद होती है। दोस्तों ऐसे में तालिबान नहीं चाहता कि किसी भी तरह का लेडीज़ परफॉर्मेंस वहाँ हो। यहाँ तक कि दोस्तों तालिबान ने अफगानिस्तानी वुमेंस क्रिकेटरों को भी जो है बैन कर दिया है, मतलब कि दोस्तों अब वुमेंस क्रिकेट नहीं खेल सकती तालिबान में, यानी कि अफगानिस्तान में। दोस्तों एक बहुत बड़ी बेकार आप कह सकते हैं सोच और घटिया सोच है तालिबान की अफगानिस्तान पर जो रूल कर रहे हैं इस समय, और दोस्तों चेयर लीडर की वजह से पूरे आईपीएल पे भी बैन लगा दिया है। अब दोस्तों तीसरी खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों तीसरी खबर तालिबान के खिलाफ है, जो कि आईसीसी ने एक कदम उठाया है कि अगर दोस्तों अफगानिस्तान की टीम अफगानी फ्लैग के अंडर नहीं खेलती, मतलब कि उनको रिप्रेजेंट नहीं करती या फिर तालिबान के फ्लैग को रिप्रेजेंट करती है या फिर फ्लैग में कोई भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो दोस्तों आईसीसी बैन देगी अफगानिस्तान को हर किसी आईसीसी टूर्नामेंट से। दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर है अफगानिस्तान और तालिबान को, तालिबान के लिए आप कह सकते हैं एक धमकी है, जो कि अफगानिस्तान और तालिबान दोनों को ही समझनी चाहिए कि ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। अब दोस्तों चौथी खबर की तरफ हम चलते हैं। और दोस्तों चौथी खबर निकल के आई है केदार जाधव की तरफ से। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि आज मैच है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद का। वहीं दोस्तों हैदराबाद की टीम से जॉनी बेस्टो जा चुके हैं, जो कि एक विकेट कीपर बैट्समैन थे। ऐसे में दोस्तों हैदराबाद की टीम को एक विकेट कीपर बैट्समैन खिलाने की आवश्यकता होगी, जहाँ पर दोस्तों हैदराबाद की टीम देखना चाहेगी रिद्धिमान शाह की तरफ से। वहीं दोस्तों अब नेट से खबर ये निकल के आई है केदार जाधव विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों केदार जाधव एक शुरुआत में एक विकेट कीपर बैट्समैन थे। अब दोस्तों केदार जाधव को हैदराबाद की टीम के द्वारा ग्लव्स द्वारा थमाए गए हैं, यानी कि आप दोस्तों देख सकते हैं कि जेसन रॉय और डेविड वार्नर आपको दोनों ही प्लेइंग 11 में खेलते हुए दिखें, और नंबर 4 पे केन विलियमसन और नंबर 5 पे केदार जाधव आपको विकेट कीपिंग करते हुए जरूर दिखेंगे। आज के मैच में ये खबर निकल के आई है, ऐसा हो भी सकता है। ये खबर निकल के आई है तो मैं आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों पांचवी खबर की तरफ हम चलते हैं। अब दोस्तों पांचवी खबर है हमारी प्रेडिक्शन खबर, जो कि आज हम आपको प्रेडिक्ट करके देने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपको शायद फैंटेसी क्रिकेट में कुछ हेल्प कर देगी। जैसे कि दोस्तों मेरी पहली प्रेडिक्शन है कि दोस्तों ये मैच जो है लो स्कोरिंग मैच होने वाला है, हाई स्कोरिंग मैच नहीं होने वाला है, और दोस्तों पावर प्ले के अंदर दोनों टीमों मिला के 4 से ज़्यादा विकेट गंवा जाएंगी। और दोस्तों मेरी दूसरी खबर जो है
वो है दोस्तों हैदराबाद की टीम की तरफ से दोस्तों राशिद खान इस टीम के सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल बॉलर होने वाले हैं, मतलब कि इस टीम के क्या दोनों ही टीम के सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल बॉलर होने वाले हैं। यह थोड़ी सी दोस्तों इजी प्रिडिक्शन है, बट दोस्तों हम तीसरी प्रिडिक्शन की तरफ चलते हैं और दोस्तों मेरी तीसरी प्रिडिक्शन है कि डेथ ओवर में भुवनेश्वर कुमार सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल बॉलर साबित होने वाले हैं हैदराबाद की टीम की तरफ से, या फिर आप कह सकते हैं दोनों ही टीमों की तरफ से। चौथी खबर मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि हैदराबाद की टीम इस मैच को जीतने वाली है और दिल्ली को उनकी तीसरी हार थमने वाली है। दोस्तों यह है मेरी प्रेडिक्शन, आप भी अपनी प्रेडिक्शन कीजिए और अगर आप अपनी प्रेडिक्शन एकदम सटीक करते हैं दोस्तों आपको मिलेगा ₹50 का पेटीएम कैश आपके सीधे पेटीएम वॉलेट में। दोस्तों यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।